अच्छा आओ जैसे
मुझे माफ करना, क्या करूं, आप भी चोर हो, मैं भी चोर हूं, आप बड़े चोर हो, मैं छोटा चोर हूं, खुजली होती है मेरे हाथ में। चरणदास चोर का
चरणदास ने अपने दूसरे पॉइंट किया।
कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और उसे अपनी सच्चाई पर बहुत घमंड है। मेरी राय में पूरे गांव में डोटी मिलवा दी जाए। कि चरणदास यदि सच्चा चोर है तो स्वयं आके रानी साहब के सामने अपना झूठ कबूल करे, इस तरह वो आ जाए। क्या मतलब? तुम हाथी और घोड़े का इंतजाम करके
लेकर आए, हम उसका राज्य की सम्मान करना चाहते। खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं? चलो सिपाही। मेरा नाम कलावती है, मैं आपके पांव पड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर।
परीक्षा लेने के लिए यहाँ बुलाया? जरदार, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते। क्या? हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जब से तुमको देखा है रातों की नींद उड़ गई, खाना पीना अच्छा नहीं लगता। आज तुम हमारी आंखों को तुम्हारे सिवा और कोई ना जचा, तुमसे शादी कर लो जरदार। नहीं नहीं रानी साहिबा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता। पर क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप इतनी खूबसूरत हो और फिर मैं भी एक आदमी हूँ, कोई देवता तो नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरे लिए तो तुम देवता हो चिंता। मैं तुम्हारी पूजा आरती उतारूंगी। मैं तुम्हारे लोगे नहीं रह सकती, उनसे शादी कर लो चिंता। कदम फूट गए, मैं नहीं कर सकता रानी साहिबा, मुझे माफ कर दो। पर क्यों? मैंने अपने गुरु से प्रण किया। I don't know.